ईसीजी या फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ये होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट इसमें जो आप मशीन यूटिलाइज करते हैं उसको आप लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और जो ग्राफ आपको ऑप्टन होता है उसको आप लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसमें आप लोग ह्यूमन बॉडी पर लीड्स लगाते हो जो कि लगाते हो राइट ट्विस्ट पर लेफ्ट ट्विस्ट पर और लेफ्ट एंकल पर तो आपको ग्राफ कुछ ऐसा ऑप्टन होता है इसमें आपको पी वे आर एस कॉम्प्लेक्स और टी वेव आपको मिलता है पी वेव रिप्रेजेंट करता है डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया यानी कि कॉन्ट्रेक्शन ऑफ एट्रिया मतलब एट्रियल सिस्टोल क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आपको दिखाता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल इसका मतलब होता है कॉन्ट्रेक्शन ऑफ वेंट्रिकल यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल टी वेव दिखाता है रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया यानी कि रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल यानी कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल तो इसमें नंबर ऑफ क्यूरएस कॉम्प्लेक्सेस होंगे वही आपका हाइड्रेट होगा और इस शेप में अगर कोई डेविएशन आता है तो वो एबनॉमेलिटी या फिर डिसीज को इंडिकेट करता है